तो देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द वन ऑफ द पॉइंट, और लास्ट में क्या है, एंगल बिटवीन 0 एंड 45, यानी कि जो भी आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है इसे हमें किस वैल्यू में ब्रेक करना है, 0 to 45, यानी 45 से ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए, समझ गए, सिंपल सा इतना करना है इसमें। अब अगर हम यहां से देखें, देखो क्या है, cos 78, तो हम 90 माइनस क्या मैं चेंज कर देंगे इसे, तो क्या बना दो मैं इसे, cos 90 माइनस थीटा, तो अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें, 12, बारी तो रखनी पड़ेगी तभी तो 78 होगा भाई, 90 में से अगर 12 माइनस कर दो क्या बचा, 78, तो हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं sec को, sec को भी चेंज कर दूं, sec 90 माइनस 12, ठीक है। अब देखो हमसे क्या कहता है, 0 to 45 आनी चाहिए एंगल की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, sin थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, sin 12 और प्लस sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा, तो ये वैल्यू क्या कर दें हम, cosec थीटा की वैल्यू क्या है, 12, यानी क्या बना दें, cosec 12। अब देखो दोनों में ही आपकी थीटा की वैल्यू जो है वो 0 to 45 के बीच हो गई। क्वेश्चन कंप्लीट।